बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग अगर हम देखें तो इसका जो अपर बैंड है सीपीआर का, वो बन रहा है तकरीबन 67,300 के अराउंड, तो उससे ऊपर ही हुई है। मार्केट क्लोज हुई है 68,416 के करीब। अगर हम वॉल्यूम देखें इसका, तो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू लास्ट वीक थोड़ा सा कम जनरेट हुआ है। लास्ट वीक में जो है तकरीबन 829 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ था, और इस वीक में जो है 516 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। दैट मींस कि अपर साइड पे जो है पार्टिसिपेशन कम नजर आ रही है, कम वॉल्यूम के साथ है। अच्छा, आरएसआई देखें तो 71 पर है इसका। अभी मैक्सिमम आरएसआई जो था वो देखें हम तो इस वक्त ये गया था 89 पे, तो अभी भी गुंजाइश बन सकती है अपर साइड पे। और मार्केट सबसे बड़ी चीज है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अच्छा, मैं आपको जरा थोड़ा सा हिस्ट्री में थोड़ा सा ले जाऊं, इसकी मैं लाइन चार्ट से समझा दूं। यहाँ पे मैंने कहा था कि आरएसआई पे डाइवर्जेंस है, देखें यही। यहाँ मैं आपको यहाँ पे लाइन भी बना के दिखा देता हूँ, जो नए आने वाले हैं वो देख लें, ठीक है ना। ये यहाँ पे ये अपर साइड पे जा रही थी लाइन, ठीक है, और इसी का डाइवर्जेंस जो है वो आरएसआई पे आ रहा था, ये लोअर साइड पे, ये हल्का सा, या मतलब स्ट्रेट थोड़ा सा समझ लें, ये स्ट्रेट समझ ऐसे था ये, ठीक है ना। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें ये नाइन स्ट्रेट हो रही है और ये अपर साइड पे, तो मैंने कहा हल्का सा डाइवर्जेंस वीकली चार्ट पे आ रहा है ऑन आरएसआई, और क्रॉस ओवर भी हुआ था, मैंने बताया था आपको यहाँ पे ये अपर साइड, ये जो ब्लू लाइन है इसने सिग्नल लाइन को, जो एमएसडी की लाइन को यहाँ क्रॉस किया था, और अब इसके बाद से अभी ये दोबारा से क्रॉस ओवर हुआ नहीं है, लेकिन क्रॉस ओवर के करीब, इसको भी मैं आपको जरा बता दूं, देखिए क्रॉस ओवर के करीब है। अगर ये लाइन इसको क्रॉस करेगी तो, और यहाँ पे जैसे ये ग्रीन आपका हिस्टोग्राम ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा रेड से, देखिए अभी पिंक हो गया है, थोड़ा लाइट हो गया है, तो दैट मीन्स ये थोड़ा प्रेशर कम है सेलिंग का, और इस पे बाद से जो अगर ये क्रॉस ओवर हो जाएगा तो मार्केट मजीद अपसाइड आपको मूवमेंट दिखा सकती है। तो अभी भी अगर देखें तो सीपीआर के लेवल के हिसाब से ही आप जो है अपनी ट्रेड करें। मैंने पहले भी कहा था कि सीपीआर का लेवल जो है उसको आप जो जरूर जो अपने वॉच लिस्ट में रखें, मैं इसलिए हमेशा पहले सीपीआर ही लेवल बना के रखता हूँ उसमें। तो सीपीआर का जो अपर बैंड है 67,300 है, मिडिल बैंड है 66,100, और लोअर बैंड है 64,800 समझ लें यहाँ का है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा रिमूव कर देता हूँ, मैं आपको जरा ये इससे भी समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखें पहले भी यहाँ पे विक बनी थी और ये बड़ा क्रूशल लेवल था, ये वाला जो था ना 64,800 का, तो इसको मेंटेन किया इसी के ऊपर मार्केट, देखें क्लोज भी इसी के अराउंड भी थी, ये वाली कैंडल देख रहे हैं ना, बेरिश कैंडल बनी थी तो 64,816 पे बंद हुई थी, और इसके बाद जो है फिर ये डोजी बना, ये अगेन एक ये सिग्नल दे रहा था कि कंफर्मेशन और मजीद चाहिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ से नीचे मार्केट आ सकती थी, लेकिन एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई और इसकी कंफर्मेशन भी हमें मिल चुकी है, ठीक है। तो ये कैंडल जो है कंफर्म कर रही है, दैट मींस कि ये यहाँ पर इस लेवल पे जो है आप बाय कर सकते हैं 73,300 इज द सेफ लेवल टू एंटर, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अभी थोड़ा मार्केट हायर साइड पर है। ऑब्वियसली अगर हम डेली पे देखें तो डेली पे भी देखें डोजी फॉर्म हुआ है। अच्छा, डेली में वॉल्यूम अच्छे बने हैं, 201 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है, लेकिन अगेन यह डोजी फॉर्म हुआ है, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल रहे, अपर साइड पे हो सकता है कोई रिजेक्शन आ जाए अपर साइड पे, तो थोड़ा सा केयरफुल होके काम करें और ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो वीकली पे भी ऑब्वियसली थोड़ा सा केयरफुल होके काम करें, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये सपोर्ट जो है यहाँ पे ये लेने जरूर आएगा इंडेक्स जो है 73,400 73,300, ये यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ा कॉशियस रह के काम करें अपर साइड पे। अपर साइड पे ज्यादा एग्रेसिव बाइंग ना करें और थोड़ा सा वेट करें, अगर लेना हो तो थोड़ा सा लें रैशनली, जिस तरह मैं कहता हूँ कि जो अच्छे स्टॉक हैं तो उनको आप रैशनली बाय कर सकते हैं, स्पेशली जिनमें न्यूज है प्राइवेटाइजेशन की, जैसे कि PIA है, पाकरी है, OGDC है, PPL है। इन OGDC PPL की भी अभी न्यूज आई थी कि ये सऊदी गवर्नमेंट जो है इसके शेयर ले रही है, वैसे तो पहले डाइवेस्टमेंट के हवाले से बात हुई कि 7.5% जो है OGDC डाइवेस्ट करेगा, लेकिन अभी रूमर है कि 51% ये होल्डिंग, मतलब पूरी, मतलब 51% से अबव, 51% या 50% ये इससे अबव जो है होल्डिंग लेना चाह रहे हैं। बहरहाल अभी ये रूमर है, अभी कन्फर्म नहीं हुआ है,
मेरे हिसाब से तो अगर इनकी न्यूज है प्राइवेटाइजेशन की, तो इसमें अभी और गुंजाइश है, पीआईए में और मजीद गुंजाइश है, क्योंकि जाहिर सी बात है या इतने सस्ते में तो ये गवर्नमेंट इन लोगों को देगी नहीं जो शेयर है, तो हो सकता है ये मजीद ऊपर आपको मूवमेंट दिखाए, ये खसूसी ये शेयर जो मैंने आपको नाम लिए हैं, तो इनमें आप फोकस रखें। डाउन साइड पे आए ओडीटीसी का, तो मैंने अपने बहुत से ग्रुप में बताया था कि 18 और 118 रुपये 40 पैसे इसका जो सपोर्ट था पिविटल सपोर्ट उसने मेंटेन किया और उसको ऑनर भी किया, वीकली पे भी डेली पे भी दोनों पे भी ये सपोर्ट थी, दोनों पे इसने इसको ऑनर किया है और अपसाइड मूवमेंट दिखाई है, 128 रुपये तक गया है, तो और इसमें मजीद और गुंजाइश बन सकती है। मैंने अपना टारगेट भी बताया है, लॉन्ग टर्म टारगेट जो है वो 192 का है ओजीटीसी का, तो इसको होल्ड करें, वैसे भी बहुत अच्छा है फॉर डिविडेंड पर्पस, तो आप रख सकते हैं इसको। तो देखिए जिस तरह IMF कह रही है सर्कुलर डेट के, आप ये जो है इश्यूज है उसको रिजोल्व करेगा, वो रिजोल्व होता है तो उसके बेनिफिशियरी ऑब्वियसली मार्केटिंग कंपनीज भी होंगी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी होंगी, तो ये आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, इसी वजह से मार्केट का वेटेज भी ज्यादा है OG में। आपको पता है अगर OG परफॉर्म करेगा तो मार्केट अपसाइड पे जा सकती है। अच्छा आप कितना जा सकती है मजीद, तो वो हम जाहिर सी बात है एक तो CPR का लेवल है, इसके बाद फिर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से इसको प्लॉट करके इसका हम इसकी मदद से हम जो आगे के लेवल है वो हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ से प्लॉट किया था, देखें ये, क्योंकि ये तो यहाँ से रिजेक्शन आई थी, ठीक है, ये रिजेक्शन आई, ये इसकी कंफर्मेशन हुई मार्केट नीचे आई, तो हम ये वाली कैंडल लेंगे, येलो कैंडल है ना, इसकी क्लोजिंग लेंगे, वो तकरीबन समझे 66,200 के करीब आ रही है, 66,200-300, और यहाँ का जो है ओपनिंग लेवल लेंगे 59,400 का, यहीं से मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिखाई थी और काफी अच्छी जो है यहाँ पे हमने रैली बनते हुए देखी है, देखें अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कैंडल जो है यहाँ पे फॉर्म हुई है, तो इस वक्त देखें, देखिए अब ये इसको भी सिंक्रोनाइज कर रहा है CPR लेवल, जैसे ये मैंने CPR लेवल पहले से बना के रखा था, तो यहाँ पे इसका जो फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का जो नंबर है 0.786, तो इसको सिंक्रोनाइज कर रहा है, तो ये तकरीबन 64,800 बन रहा है, और बल्कि हम इसकी विक भी ले लेंगे, हो सकता है जैसे पहले भी विक बनी तो हो सकता है अभी भी शायद यहाँ पे विक बने, इसकी विक को ही हम ले लेंगे, ये वाला लेवल जो, इसको ग्रीन दे देता हूँ मैं कलर, ठीक है, 63,800 भी रिटेस्ट कर सकता है यहाँ पे हम सपोर्ट, जो अच्छा लेवल है यहाँ पे सपोर्ट ऑनर होता हुआ देख सकते हैं, लेकिन CPR का जो लेवल है ना यहाँ इस क्लोजिंग इधर ही आनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप बिला शुबा रिस्क ले लें, क्योंकि यहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा, कंफर्मेशन भी हो जाएगी, और इसी के नीचे आप स्टॉप लॉस लेके काम करें, वीक ऑन वीक बेसिस की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वीकली चार्ट है, तो ये उनके लिए है जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो है वो होल्ड करते हैं या एंट्री लेते हैं उसके लिए है, ठीक है। अच्छा अब आगे आ जाए, मजीद और आगे कितना जाएगा अगर ये इसको ब्रेक करता है 67,300 को, तो देखें 70,400 एक ही लेवल है फिबोनाची का, 1.6 गोल्डन रेशियो ऑब्वियसली, तो ये एक्सपोज हो जाएगा अगर इसको क्रॉस करता है ये वाला लेवल, इसको मैं रेड दे देता हूँ, एक ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे अगर रिजेक्शन नहीं आती इसको भी क्रॉस करता है तो 77,000, ठीक है 77,000 है, तो इन इन दोनों के बीच में भी कहीं आ सकता है 73,000 के करीब, मैंने पहले भी कहा था 73,000 समथिंग है, 73,900 समझ ले, 73,000-74,000 यहाँ पे भी मैं ये मिडिल में भी एक ये बना देता हूँ कि ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये आ सकता है, ये वाला लेवल जो है इसको भी रिटेस्ट करके वापस आ सकता है, तो ये तीन लेवल है अगर आप देखें तो ये 77,000 तक, फिर 77,000 के आगे फिर तो जाहिर सी बात है फिर 84,000, जो मैं पहले भी कह रहा था कि 84,000 तक ये इंडेक्स आपको दिखा सकता है, वो इसी बेस पे मैंने बोला था कि ये यहाँ से ये अगर यहाँ पे रिटेस्ट करके अपर साइड पे ये मूवमेंट दिखाता है, तो देखें अभी इसका जो हाई था इसको इसने यहाँ पे जहाँ रिजेक्शन आई थी ये वाला लेवल जो था तकरीबन 67,100 का, इसको ब्रेक किया है और सस्टेन भी किया है, क्योंकि अभी तक ये इसको ब्रीच नहीं किया इस लेवल को, और अपसाइड पे मार्केट परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। बहरहाल ये शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई है आपके लिए, तो इसी को देखते हुए आप जो मैंने अभी स्टॉक बताए उनको ज्यादा फोकस करें, और वैसे भी अच्छे स्टॉक है स्पेशली ये जैसा आपको बताया ना OGDC PPL PSO डिविडेंड के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, और एक दो मैंने रिफाइनरी का भी जिक्र किया था, रिफाइनरी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो अभी भी जिस तरह मैंने उसमें व्हाट्सएप पे बताया था सिनर्जी रिफाइनरी, छोटी रिफाइनरी में अच्छा लगता है क्योंकि ये भी अपने जो
ओल्ड प्लांट्स हैं वो डिस्पोज ऑफ कर रहा है, तो जाहिर है ऑब्वियसली आने वाले दिनों में अगर न्यू प्लांट लगाता है तो इसकी भी प्रोडक्शन अच्छी है, ऑब्वियसली कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो प्रोडक्शन भी इंशाल्लाह इसकी अच्छी आएगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।